हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आपके अपने किचन में। तो आज की रेसिपी हमारी पेटीज होने वाली है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, टेस्टी भी, क्रिस्पी भी, डिलीशियस भी और यम्मी तो ये है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और सब्जियों में 4 बॉयल आलू है, थोड़े से मटर और थोड़े से प्याज। ये आलू को मैंने बॉईल करके लिया है, ये देखिए छिल के बॉईल कर लिया था। मटर है, फाइनली चॉप्ड प्याज है, एक हरी मिर्च है, एक शिमला मिर्च है, एक शिमला मिर्च नहीं आधी शिमला मिर्च है जिसे मैंने बारीक कट किया है, धनिया की पत्तियाँ थोड़ी सी कटी हुई, लहसुन का पेस्ट और ये ग्रेट किया हुआ गाजर। गाजर और जो भी सब्जियाँ बिल्कुल ऑप्शनल हो, जिसे आप पसंद नहीं करें तो स्किप भी कर सकते हैं। नमक स्वादानुसार और रिफाइंड ऑयल। तो अब हम मैदा में नमक डालेंगे 1/4 और यहाँ पे जितना मैदा लेंगे उसका 1/4 रिफाइंड ऑयल डालेंगे और अब हम इसमें मोयन लगा लेंगे। तो इस तरह ये देखिए मिक्स कर लेंगे कि रिफाइंड ऑयल मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसका एक सख्त डो लगाएंगे। डो हमें सख्त ही चाहिए तभी हमारे पेटीज मार्केट स्टाइल बनेंगे, नहीं तो ये अच्छे बनेंगे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर डो लग के तैयार है, बिल्कुल सख्त और करा डो। तो अभी से हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा मैंने। अब यहाँ पे कढ़ाई लिया, 2 कप नहीं 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे और अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, अगर अदरक पसंद हो तो वो भी डालें, मैंने नहीं डाला। और अब इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए सोटे कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर शिमला मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे। तो सब्जियां अगर आपको जो पसंद नहीं है उसे अवॉइड कर सकते हैं और जो पसंद हो उसे ऐड भी कर सकते हैं। इसमें आप बंदा गोभी भी डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला है, लेकिन ऑप्शनल है, अगर पसंद हो तो ज़रूर डालें। मटर को भी डाल देंगे शिमला मिर्च के साथ और इसे 2 मिनट चलाने के बाद इसमें गाजर को भी डालेंगे और इस तरह से सब्जियाँ को भून लेंगे। देखिए कलर कितना प्यारा सा है हमारी सारी सब्जियां को। अब इसमें नमक डालेंगे जिससे कि मटर अच्छी से गल जाए और एक सॉफ्टनेस उसमें आ जाए। तो अब ये यहाँ पे इस स्टेज पे हम आलू को भी डाल देंगे इसमें। आलू को मैंने बॉईल कर रखा था पहले से ही, तो इस तरह से क्रश करके आलू को भी डालेंगे। अभी आलू को बारीक करके नहीं डालें, बिल्कुल हल्का सा क्रश करके डालें। उसके बाद हम इसे मैशर की सहायता से बाद में बारीक करेंगे, इससे बड़ा बढ़िया सा टेस्ट हमारे पेटीज में आने वाला है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स सारे फॉलो करें और मार्केट स्टाइल पेटीज घर पे बनाएं। मसालों में हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अगर चटपटा सा टेस्ट चाहिए तो आप चाट मसाला भी डालें, पर मैंने इसमें गर्म मसाला की क्वान्टिटी बढ़ा के डाली, इसलिए चाट मसाला को अवॉइड किया है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट भूनेंगे। फाइनली ये हमारा मिक्सिंग भून कर तैयार है मिक्सचर। तो अब हम इसे धनिया के पत्ते से गार्निश करेंगे और इसे मैशर की सहायता से थोड़ा सा मैश कर लेंगे कि आलू थोड़ा बारीक हो जाए, तभी तो पेटीज में हम आसानी से आलू को वाले मिक्सचर को स्टफ़ कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा टेस्टी सा स्पाइसी सा ये आलू का मिक्सचर बन के तैयार है। अभी इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम पेटीज की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच से 3 चम्मच के करीब मैदा लिया है और 3 चम्मच ही घी का यूज़ किया है। अब हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे गाढ़ा सा। तो ये देखिए हमें इसी तरह का पेस्ट चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा सा। और इसके साथ यहाँ पे हमने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच पानी लगा के स्लरी को भी बनाया है। अब यहाँ पे आटा भी रेस्ट हो चुका है, तो अब हम इसकी 8 बराबर बराबर लोइयाँ बनाएंगे। तो 6 लोई में भी बनाई जा सकती है पेटीज, पर अब आप 8 लोई से बनाएंगे तो ये बहुत ही परतों वाली और अच्छी बनेगी। सारी परत खुल के बाहर आएंगे और ये खाने में भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप चाहें तो 6 लोई से भी पेटीज बना सकते हैं, पर हम तो जब भी बनाते हैं तो 8 लोई का ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको जैसी इच्छा हो बनाएं।
तो यहाँ पर हम सारी लोइयाँ बना कर रख लिए हैं। अब हम प्लेटफॉर्म पे सारी लोइयों को बेल लेंगे, पूरी का शेप देंगे। पूरी से थोड़ी बड़ी, ना ज़्यादा मोटी हमें बेलनी है, ना ज़्यादा पतली बेलनी है। इसी तरह आठों लोइयों को बेल कर तैयार कर लेंगे। तो सभी लोइयों को हमने बेल के तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब एक लोई के पूरी को लेंगे और इस तरह से फैला लेंगे। अब हम इसमें घी और मैदा का जो पेस्ट बनाए हैं वो लगाएंगे। तो इस तरह से एक के ऊपर एक सारी लोई बेली हुई पूरियों पर हम ये घी और मैदा का पेस्ट लगाते जाएंगे। और जो भी, अगर आपको पूरी लगे कि छोटी बिल गई हो तो उसे थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, और जो बड़ी है ही तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी हो तो बहुत दिक्कत नहीं है, कुछ बहुत ये अच्छी है। तो छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं है, तब यहाँ पे ध्यान दें, छोटी हो तो आप बड़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा टाइम टेकिंग तो आपको लगेगा, पर जब अभी एक बार बनाएंगे खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इतना अच्छा हम मार्केट स्टाइल बना रहे हैं तो टाइम तो थोड़ा लगेगा। तो इस तरह से सारी पूरियों को, ये देखिए ये भी छोटी थी थोड़ी, तो इसे मैंने बड़ा बना लिया। अब हम ऊपर वाले पर भी थोड़ा सा लगा लेंगे ये घी और मैदा का पेस्ट, और इसे मैदा, सूखे मैदा से स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हम इसे हाथों की सहायता से थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से रोल कर लेंगे। और जब रोल हो जाए तो लगभग 1.5 इंच की मोटाई में हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कट किया और सारी लोइयों को इस तरह कट करने के बाद हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोइयों को कट करने के बाद अलग रख दें, और उसके बाद हम इसे बेलना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जो अलग अलग भाग लगे लोइयों को, उसे पहले थोड़ा सा चिपका देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसे बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि चिपकने लगे, तो वहाँ पे आटा या मैदा स्प्रिंकल करके आप इसे बेलिए, बहुत ही अच्छे से बेला जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इसे बेलने के बाद हमें इसे स्क्वायर शेप में कट करना होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे अब हम इसे, और यहाँ पे स्टफिंग भी भर देंगे। तो ये देखिए, अब इतना ही बड़ा हमें करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। तो अब हम इसे स्क्वायर शेप में दे रहे हैं, कट कर रहे हैं चाकू की सहायता से, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट करके इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आप अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा या कम भर सकते हैं, और साइड में इसका स्लरी लगा लें। स्लरी लगाने से होगा क्या कि ये खुलेंगे नहीं, और हमारी पेटीज बिल्कुल अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, एक पेटी से हमारी स्टफ होके तैयार है। प्रोसेस वही दोबारा रिपीट करेंगे, और इसी तरह भर के हम सारे पेटीज को बना लेंगे। अब हम एक तरफ तेल गर्म होने के लिए रखा है हमने रिफाइंड ऑयल, अब हम इसे फ्राई भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और पेटी से स्टफ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे इसमें भी स्लरी लगाएंगे और इसे इस तरह से चिपका लेंगे कि ये खुले नहीं। अब ये तेल हमारा बिल्कुल गर्म है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। लो नहीं होना चाहिए और हाई भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ये फ्राई होके तैयार है, और ये हमारा मार्केट स्टाइल पेटीज बन के तैयार है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। तो ये आप अपने घरों में एक बार ज़रूर ट्राई करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।